निजी एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने पटना मेट्रो का संशोधित डीपीआर नगर विकास विभाग को सौंप दिया है। हाईकोर्ट और इनकम टैक्स चौराहे के पास पहले दो मेट्रो स्टेशन बनने थे, लेकिन अब एक ही बनेगा। एक स्टेशन कम होने से मेट्रो की लागत करीब 1700 करोड़ रुपए कम हो जाएगी। पटना मेट्रो के अंतर्गत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर यानी कि 16.94 किलोमीटर का होगा, तो दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक यानी कि 14.45 किलोमीटर का होगा। पटना जंक्शन का इंटर एक्सचेंज स्टेशन होगा, जहां लोग एक कॉरिडोर से उतरकर दूसरे कॉरिडोर के लिए मेट्रो पकड़ सकेंगे। इस जंक्शन पर एक स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि एक एलिवेटर होगा। इस रूट में दानापुर, रूपसपुर, सगुना मोड़, राजा बाजार, गोल्फ क्लब, चिड़ियाखाना, विकास भवन, विद्युत भवन, जंक्शन, मीठापुर बस स्टैंड आदि मेट्रो स्टेशन होंगे। आपको बता दें कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 16.94 किलोमीटर होगी। इसमें 5.49 किलोमीटर एलिवेटेड और 11.21 किलोमीटर अंडरग्राउंड होंगे। इस कॉरिडोर में स्टेशनों की संख्या कुल 12 होगी। वहीं दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा। इस रूट में पटना जंक्शन के साथ साथ उसके आसपास के इलाके आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद रंगशाला, राजेंद्र नगर टर्मिनल, NMCH, कुम्हरार, गांधी सेतु से 0 माइल, ISBT आदि मेट्रो स्टेशन होंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किलोमीटर होगी। इसमें 9.90 किलोमीटर एलिवेटेड और 5.55 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर में स्टेशनों की संख्या कुल 12 होगी। तो बिहार सरकार को अब बस मेट्रो स्टेशन बनवाने हैं। बस कुछ ही दिन रह गए हैं जब बिहार सरकार इसका काम शुरू कर देगी। बिहार सरकार उम्मीद है कि अगले महीने से पटना में मेट्रो का काम शुरू करेगी, क्योंकि पटना मेट्रो में कुल 24 स्टेशन बनेंगे जिसका लागत कुल 1700 करोड़ रुपए होगा।